Hello everyone, this question appears in Class 8th NCERT chapter of factorization. This is third question of its exercise 14.1. So the question says that factorize first x square plus xy plus 8x plus 8y. So yahan se hum x common le lenge, so ho jayega x plus y, then in dono terms mein se 8 common le lenge, so ho jayega x plus y is equal to यहाँ x प्लस वाई को माना जाएगा, सो x प्लस वाई एंड x प्लस 8, सो जाएंगे इसके फैक्टर्स. देन सेकंड 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2, सो इन दोनों टर्म्स में से 3x कॉमन ले लेंगे, सो यहाँ बचेगा 5y माइनस 2, देन 1 कॉमन ले लेंगे, तो 5y माइनस 2, सो 5y माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा 5y माइनस 2 एंड 3x प्लस 1. देन थर्ड पार्ट इज ax प्लस bx माइनस ay माइनस by, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, सो हो जाएगा a प्लस b, देन माइनस y कॉमन ले लेंगे, सो हो जाएगा a प्लस b. देन ए प्लस बी को माना जाएगा दोनों टर्म्स में से, सो ए प्लस बी एंड एक्स माइनस वाई, सो ये जाएंगे इसके फैक्टर्स. देन फोर्थ पार्ट इज 15 पी क्यू प्लस 15 प्लस 9 क्यू प्लस 25 क्यू, सॉरी यहां पे हमारे पास पी है, तो इसे हम दोबारा अरेंज कर लेंगे, हो जाएगा 15 पी क्यू प्लस 9 क्यू प्लस 25 पी प्लस 9 क्यू, हो जाएगा 25 पी प्लस 15. So, यहां से हम 3q कॉमन ले लेंगे, सो हो जाएगा 5p प्लस 3, तो यहां से हम 5 कॉमन ले लेंगे, सो हो जाएगा 5p प्लस 3, सो 5p बोथ साइड कॉमन आ जाएगा, सो हो जाएगा 5p प्लस 3 एंड 3q प्लस 5, तो ये हो जाएंगे इसके फैक्टर्स. देन फिफ्थ पार्ट इज z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz इज इक्वल टू, सो z माइनस xyz देन माइनस 7 प्लस 7xy, यहां से z कॉमन ले लेंगे, सो हो जाएगा 1 माइनस xy एंड माइनस 7 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा 1 माइनस xy, सो फैक्टर जाएंगे z माइनस 7 एंड 1 माइनस xy. Thank you.